हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सोशल नेटवर्क। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोशल नेटवर्क पे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियो लेके आया हूँ और वो भी पोल्ट्री से संबंधित ज्यादातर वीडियो मेरा होगा और कुछ पर्सनल ब्लॉग्स भी होंगे, लेकिन आज फिर पोल्ट्री से संबंधित एक नया वीडियो लेके आप सबके बीच में आया हूँ। और इसमें आपको बताऊंगा कि एग को कितने टेम्परेचर पे स्टोर करें। कई लोग तो जानते नहीं है कि एग को हम स्टोर भी कर सकते हैं। हाँ जी, एग को हम स्टोर कर सकते हैं और वो भी बहुत बढ़िया टेम्परेचर पे। आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह हम एग को स्टोर कर सकते हैं। देखिए कि ये कितना एग यहाँ पे पड़ा है और ये देख रहे हैं जैसा कि आप 1 2, यहाँ 2 की बंडल है और यहाँ 3 बंडल। देखिए ये 3 बंडल लगा रखा है, यानी एक सिक्वेंस में लगा रखा है। तो सिक्वेंस में ये इसका क्या फायदा है, एक तो स्पेस कम घेरेगा। देखिए इतनी जगह में हमने ये 10,000 अंडा यहाँ पे सेट कर दिया है, ठीक है ना। और अगर यही 10,000 अंडा हम सिंगल सिंगल क्रेट रखते, पूरा हमारा कोल्ड रूम पूरा भर जाता है ना। अभी देखिए कितना स्पेस है, यहाँ आप देख रहे हैं बहुत स्पेस है। और ये देखिए यहाँ सिंगल हमने लगा भी रखा है, तो इस टाइप से लगाएंगे तो पूरा भर जाएगा, है ना। तो ये इस तरह, पहली बात तो अगर आपके पास कोल्ड रूम है और आपका फार्म है ना, एग फार्म है, तो आप इस तरह कोल्ड स्टोर में आप स्टोर कर सकते हैं एग को, वो भी कम से कम 20 से 25 दिन के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। और अब टेम्परेचर क्या चाहिए रहेगा, टेम्परेचर भी मैं आपको दिखाता हूँ। टेम्परेचर, और टेम्परेचर के लिए सबसे पहले तो आपको ना, जैसे ये देखिए 2 एसी हमने लगा रखे हैं यहाँ पे, तो ये यानी जितना बड़ा रूम है उस हिसाब से हमारा ये रूम है 15x30 का, ठीक है ना। उस हिसाब से हमने 2 एसी लगाए हैं और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं ये टेम्परेचर पे ही चलते हैं एसी। अब इसका टेम्परेचर मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये ऑटोमेटिक ही चल जाता है, वो जनरल का एसी है और ऑटोमेटिक ही चलता है ये। इसमें टेम्परेचर आपको दिखा रहा हूँ, इस समय यहाँ पे टेम्परेचर हमारा हो रहा है। देखिए जो रेडनेस आ रही है ना, ये जो पारा आ रहा है, ये पारा है, ये 19 डिग्री टेम्परेचर पे हमारा ये एसी है जो ये कट मार जा रहा है। क्यों मार जा रहा है, क्योंकि 19 डिग्री टेम्परेचर ही इसको चाहिए रहेगा और उससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते। 18 से 19 डिग्री टेम्परेचर परफेक्ट रहता है एग के लिए। और आप टेम्परेचर मीटर कौन सा यूज करें, आपको टेम्परेचर मीटर यूज करना है या तो नॉर्मल आप पारा ले लें या फिर आप ऐसा एक सेरा का गेरा का आता है गेरा, ठीक है ना, ये इस टाइप से टेम्परेचर मीटर रहेगा, उसमें सारा टेम्परेचर दिया रहता है, फारेनहाइट में भी दिया रहता है और सेल्सियस में भी होता है, ठीक है। ये इस टाइप से आप देख सकते हैं, ये इस जो इधर आ रहा है ये 20, 30, 40, ये आ रहा है हमारा सेल्सियस में, और इस साइड जो आ रहा है फारेनहाइट में आ रहा है, ठीक है। यानी इस तरह आप टेम्परेचर से आकलन कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये पारा जो होता है टूट जाता है बीच में, तो टेम्परेचर काफ़ी हाई चला जाता है। तो टेम्परेचर मीटर को बड़ा ही सेफ्टी से रखना, कहीं भी रखोगे, तो हमने यहाँ रखा हुआ है कि बहुत ही सेफ्टी से, क्योंकि बार बार हमारी एंट्री होती है तो हम यहाँ पर इस चीज़ को देख लेते हैं। और दूसरी बात, ये तो हो गया एसी का और टेम्परेचर मीटर का। और अगर आपको कूलिंग फैलानी है, कूलिंग फैलाने के लिए आप एक फ़ैन यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने ये यहाँ पे यूज किया हुआ है, इसमें फॉल सीलिंग हो रखी है उसमें, क्योंकि ऊपर टीन है और टीन में गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये एसी जो है कूलिंग प्रॉपर नहीं बना पाते हैं, तो इसलिए हमने इसमें फॉल सीलिंग करा दी है। बहुत ही बढ़िया टेम्परेचर बनता है, कहीं से भी एयर टाइट रूम बना रखा है कुल मिला के। और ये फ़ैन लगाया, जब वहाँ से एसी चलते हैं तो ये जो फ़ैन है ये पूरी हवा को, एसी की हवा को फैलाता है, ठीक है ना। इस तरह हम बहुत ही बढ़िया कोल्ड रूम मेंटेन कर सकते हैं। और आप अगर आप भी स्टॉक करना चाहते हैं का, इस तरह आप एक महीना, कम से कम एक महीना स्टॉक कर सकते हैं, ठीक है। और आप बताइएगा कैसा वीडियो लगा आपको, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके बाय, कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ।